कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ टेस्टिंग. इन दिस स्केलेबिलिटी टेस्टिंग इट कैन बी डिफाइंड दैट एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क सिस्टम और अ प्रोसेस टू कंटिन्यू टू फंक्शन वेल वेन चेंजेस आर डन इन साइज और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम टू मीट ग्रोइंग नीड. ओके, मतलब क्या हो गया इसका कि अगर कोई भी चीज़ हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो मान लो कुछ चेंजेस होते हैं या फिर साइज के फॉर्म में चेंजेस होते हैं, उसके वॉल्यूम के उसमें चेंजेस होते हैं, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए. ठीक है, और इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. ये एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का टाइप है. स्केलेबिलिटी टेस्टिंग इंश्योर दैट एन एप्लीकेशन कैन हैंडल द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन यूजर ट्रैफिक, डेटा वॉल्यूम, ट्रांजेक्शन काउंट, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा. इट टेस्ट द सिस्टम प्रोसेसेस एंड डेटाबेसेस एबिलिटी टू मीट अ ग्रोइंग नीड. मतलब ठीक है, तो क्या हो गया, स्केलेबिलिटी टेस्ट जो है वो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम हैंडल करते हैं, जैसे जितने भी चीज़ इंक्रीज हुई है, जैसे ट्रैफिक हो गया, डेटा वॉल्यूम हो गया, ट्रांजेक्शन काउंट, जितनी किस फ्रीक्वेंसी से ट्रांजेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ये सिस्टम को टेस्ट करता है, प्रोसेस करता है, और डेटाबेस की जितनी भी चीज़ है उसकी जितनी भी चीज़ इंक्रीज हो रही है, ग्रोइंग नीड्स होती हैं, उसको टेस्ट करता है. ठीक है, अब इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज ए परफॉर्मेंस टेस्टिंग. इसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी कह सकते हैं. ठीक है, एज मच इट इज़ फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस मीन्स के उसके बिहेवियर पे, जो एप्लीकेशन का जो काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपका काम देखता है. ठीक है, वेन डिप्लॉयड टू अ लार्ज सिस्टम और टेस्टेड अंडर एक्सेस लोड. तो जो आइडिया है स्केलेबिलिटी टेस्टिंग का वो क्या है, इट इज़ टू मेजर एट व्हाट पॉइंट द एप्लीकेशन स्टॉप स्केलिंग एंड आइडेंटिफाई द रीज़न बिहाइंड इट. मींस किस एप्लीकेशन को कहाँ पे स्टॉप करना, देखना है कि उसके पीछे कारण क्या है. ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट हो गया एक तरह से. अब क्वेश्चन आता है व्हाई टू डू स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, हम स्केलेबिलिटी टेस्टिंग करते क्यों हैं. बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, लाइक स्केलेबिलिटी टेस्टिंग लेट्स यू डिटरमाइन हाउ योर एप्लीकेशन स्केल्स विद इंक्रीजिंग वर्कलोड, और डिटरमाइन द यूज़र लिमिट फॉर द वेब एप्लीकेशन, डिटरमाइन क्लाइंट साइड डिग्रेडेशन एंड एंड यूजर एक्सपीरियंस अंडर लोड, डिटरमाइन सर्वर साइड रोबस्टनेस एंड डिग्रेडेशन. अब आता है कि व्हाट टू टेस्ट इन स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, हम स्केलेबिलिटी टेस्टिंग करते क्या क्या हैं. जैसे उसका रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे, स्क्रीन ट्रांजिशन, थ्रूपुट टाइम, परफॉर्मेंस मेजरमेंट विद द नंबर ऑफ यूजर्स, रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, हिट्स पर सेकेंड, परफॉर्मेंस मेजरमेंट विद नंबर ऑफ यूजर्स, नेटवर्क यूसेज, सीपीयू मेमोरी यूसेज, वेब सर्वर्स, परफॉर्मेंस मेजरमेंट अंडर लोड. ये सारी चीज़ें हम इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं. स्केलेबिलिटी टेस्टिंग में हम सबको टेस्ट करेंगे. अब टेस्ट स्ट्रेटजी फॉर स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, क्या स्ट्रेटजी होती है टेस्टिंग की स्केलेबिलिटी टेस्टिंग के लिए. तो जो टेस्ट स्ट्रेटजी है फॉर स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, डिफर इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज बीइंग टेस्टेड, कि किस तरह के एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर एप्लीकेशन डेटाबेस से क्या बोलते हैं एक्सेस कर रही है या टेस्टिंग, तो जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है विल बी टेस्टिंग इन द साइज ऑफ डेटाबेस. तो हम डेटाबेस के उसमें हम इसको टेस्टिंग पैरामीटर्स चेक करेंगे. ठीक है, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड होंगे. और नेक्स्ट आता है प्री रिक्वेस्ट फॉर स्केलेबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है, इसमें देखेंगे कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, मेमोरी. लोड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चेक वेदर द लोड टेस्ट टूल अनेबल्स द लोड टू जेनरेट फ्रॉम मल्टीपल मशीन्स एंड कंट्रोल फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट. ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स चेक व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज द लोड जनरेशन एजेंट एंड लोड्स मास्टर अंडर रन अंडर. प्रोसेसर मतलब चेक करेगा प्रोसेसर कि किस तरह का CPU की ज़रूरत है फॉर द वर्चुअल यूजर एजेंट के लिए एंड लोड टेस्ट मास्टर के लिए. मेमोरी में क्या करेगा चेक कि कितनी मेमोरी इसको चाहिए, इसको एजेंट को जो वर्चुअली हम उसको काम कर रहे हैं वो, और लोड टेस्ट मास्टर के लिए. अब आते हैं जनरल पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी टेस्टिंग. उसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन प्रोसेस को डिफाइन करेंगे,
जो रिपीटेबल एग्जीक्यूटिंग हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिंग स्केलेबिलिटी टेस्ट थ्रू आउट द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल में जितनी जो चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है. अब डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर स्केलेबिलिटी, शॉर्टलिस्ट द सॉफ्टवेयर टूल्स रिक्वायर्ड टू रन द लोड टेस्ट, सेट द टेस्टिंग एनवायरमेंट एंड कॉन्फिगर द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट स्केलेबिलिटी टेस्ट, प्लान द टेस्ट सिनेरियो एज वेल एज स्केलेबिलिटी टेस्ट, क्रिएट एंड वेरीफाई विजुअल स्क्रिप्ट, क्रिएट एंड वेरीफाई लोड टेस्ट सिनेरियोज, एग्जीक्यूट द टेस्ट, एवेल्युएट द रिजल्ट्स, जनरेट रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. अब स्केलेबिलिटी टेस्ट प्लान क्या होता है? सो बिफोर यू एक्चुअली क्रिएट द टेस्ट, डेवलप अ डिटेल टेस्ट प्लान. ठीक है, सबसे पहले हम डिटेल टेस्ट प्लान उसको डेवलप करेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप टू इंश्योर दैट द टेस्ट कन्फर्म्स एज पर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे स्टेप फॉर स्क्रिप्ट, रन टाइम डेटा, डेटा ड्रिवन टेस्ट. स्टेप्स फॉर स्क्रिप्ट मतलब द टेस्ट स्क्रिप्ट शुड हैव अ डिटेल्ड स्टेप्स दैट डिटरमाइन द एग्जैक्ट एक्शंस अ यूजर वुड परफॉर्म. रन टाइम डेटा में क्या हो जाएगा, द टेस्ट प्लान शुड डिटरमाइन एनी रन टाइम डेटा दैट इज रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन. डेटा ड्रिवन टेस्ट में इफ द स्क्रिप्ट नीड वेरिंग डेटा एट रन टाइम, यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द फील्ड्स दैट रिक्वायर्ड दिस डेटा. ठीक है, अब स्केलेबिलिटी टेस्टिंग वर्सेस लोड टेस्टिंग हम देखते हैं. ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग में क्या जाएगा, इट्स फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन एट ऑल द स्टेजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम लोड. लोड टेस्टिंग में क्या जाएगा, फोकस ऑन टेस्टिंग ऑन एन एप्लीकेशन अंडर हैवी लोड्स टू डिटरमाइन एट वॉट पॉइंट द सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम फेल्स. ठीक है, तो हम लास्ट में समरी देख लेते हैं कि इसके बेसिकली जो ये स्केलेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्ट सिस्टम अ नेटवर्क और अ प्रोसेस व्हेन द साइज वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड इन ऑर्डर टू मीट अ ग्रोइंग नीड. द आइडिया बिहाइंड स्केलेबिलिटी टेस्टिंग इज टू मेजर एट वॉट पॉइंट द एप्लीकेशन स्टॉप्स स्केलिंग एंड आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड इट. टेस्ट स्ट्रेटजी फॉर स्केलेबिलिटी टेस्टिंग डिफर इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज बींग टेस्टेड. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी टेस्टिंग एंड दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मैंशन इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट. थैंक यू.